नहरों के चलते किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में किसानों के सामने सिंचाई करने की समस्या भी खड़ी हो गई है। मानसून में नहरों और नालों में जमा कूड़ा और गाद आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। हल्द्वानी के तीन पानी से गोल पड़ाव क्षेत्र को जाने वाली सिंचाई नहर और नालों में कूड़े कचरे के ढेर जमा है। इससे नहर और नाले बंद हैं। इसके चलते नहर से बहने वाला पानी सड़कों पर बहने लगता है। विभाग के अधिकारी इस समस्या को दूर करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं को देखते हुए एसडीएम पावितोष वर्मा ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून से पहले नहर और नालों की सफाई आदि दुरुस्त कर ले ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दो तीन बार बैठक भी की जा सकती है और सिंचाई विभाग को निर्देशित किया जा चुका है कि अपने जितने भी सिंचाई की नहरें हैं उनकी सफाई कर लें। साथ ही जो महत्वपूर्ण नाले हैं और जिससे आपदा पारित होती है तो उनको सफाई के भी निर्देश दिए गए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं उसमें सिंचाई विभाग द्वारा इंस्ट्रूमेंट बनाए जा रहे हैं और जैसे इंस्ट्रूमेंट प्राप्त होंगे तो उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।